आपसे बार बार कह रहा हूं कि सीपीआर की तकनीक सीख लीजिए, यह मत सोचिए कि अरे मुझे क्या जरूरत पड़नी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो एकदम फिट हूं, मैं जिम जाता हूं, मैं अच्छा खाता हूं, मैं तो सिगरेट नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता। बॉस, पहली बात तो हो सकता है आप किसी की जिंदगी बचाने के काम आ जाए, और दूसरा हर किसी को पता होगा तो कब कहां किसके काम आ जाएगा यह पता नहीं। इसे सिखाने के लिए एक लाइव डेमो आपको दिखाता हूं जो पाठशाला के लिए एक कार्डियोलॉजिस्ट यानी हार्ट के डॉक्टर ने किया है, जिससे आप डिटेल में इस तकनीक को समझ पाएंगे। और वैसे तो भगवान ना करे कि जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़े तो किसी की जिंदगी बचा पाए। बहुत गौर से यह वीडियो देखिएगा। हमारे साथ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अपर्णा जायसवाल हैं। मैम ये बताइए कि सीपीआर किस तरीके से दिया जाता है, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं वो जरा डेमो करके आप बताएं प्लीज। जैसे कि हमने अभी चर्चा करी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में, अगर आप देखते हैं कि आपका कोई फैमिली मेंबर या दोस्त या इवन कोई अनजान गिर जाता है जमीन पर, और आप अक्सर देखते हैं कि उनको ब्रीदिंग नहीं हो रही है, आप पल्स देखते हैं और आपको महसूस होता है कि पल्स नहीं है, तो तुरंत आपको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन स्टार्ट करना चाहिए। उसमें हम अपने दोनों हाथों को बांधते हैं, हम अपनी एल्बोज को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं और इंसान की छाती पर हाथ रख करके बिल्कुल बीच में हम कंप्रेशन देते हैं। हम इतना जोर लगाते हैं कि कम से कम इंसान की चेस्ट वॉल 5 सेंटीमीटर या 2.5 इंच तक अंदर जाए। ये कंप्रेशंस जो हम करते हैं बहुत तेजी से करने चाहिए, 1 मिनट में 100 से 120 बार कंप्रेशन हमें करना है। जब हम कंप्रेशन करें तो याद रखिए कि एल्बोज हमारी सीधी रहे और 2.5 इंच तक पेशेंट का चेस्ट वॉल अंदर जाना चाहिए। जब आप कंप्रेशन दें, ऊपर आए तो रुके और फिर तुरंत जाएं। ये कंप्रेशंस इफेक्टिव होने चाहिए। ये इफेक्टिव इसलिए होने चाहिए क्योंकि जो हार्ट है वो कंप्रेस होगा अंदर से हमारे इस प्रेशर से, और ब्रेन को ब्लड जाएगा और हार्ट को भी ब्लड मिलेगा। याद रखिए 1 मिनट में आपको 100 से 120 बार कंप्रेशन देना है चेस्ट वॉल पे। पहले जमाने में हम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी देते थे, इसमें कई लोग झिझकते थे और नहीं दे पाते थे, लेकिन अगर आपका कोई होम का आदमी है याद रखिए 30 कंप्रेशन के बाद आप 2 बार माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी दे सकते हैं। अगर आपको झिझक है तो डोंट वरी, ये कंप्रेशंस आप जरूर दीजिए 1 मिनट में 100 से 120 बार और इफेक्टिवली। साथ ही साथ एम्बुलेंस को तुरंत बुलाएं। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन मींस डू नॉट वेस्ट इवन अ सेकंड। ये तकनीक आपको जरूर जाननी चाहिए और आप में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी, आप में से बहुत सारे लोग, अगर आप ये टेक्निक जानते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि हार्ट अटैक में हर 1 मिनट के साथ बचने की संभावना 10% कम हो जाती है। यानी अगर 5 मिनट बेकार चले गए तो जान बचने की संभावना 50% कम हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के दौरान जितनी जल्दी सीपीआर दिया जाए, मरीज की जान बचने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे देश में हर साल लगभग 2,40,000 लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। अगर देश की 20% जनता सीपीआर तकनीक सीख ले, यानी 50%, 1,20,000 लोगों की जान बचाई जा सकती है। हमारे देश में सिर्फ 2% लोग सीपीआर देना जानते हैं, इसे 20% तक पहुंचाना है। इसलिए पूरा प्रयास कीजिए कि ये तकनीक आप सीखें। जिन्होंने पाठशाला में ये वीडियो नहीं देखा वो वीडियो को शेयर जरूर करें, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जाएंगे, हमारे टाइम्स नाउ नवभारत के ट्विटर हैंडल पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इसे देखिए, दिखाइए, देश के लोगों को जगाइए। कब किसको हार्ट अटैक आ जाए पता नहीं, और आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं।